सो हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त सचुल टेमरे स्वागत करते हैं हमारे एसके सोच चैनल पर। दोस्तों, आपकी और हमारी सोच है जो मिलती जुलती है। तो दोस्तों, मैं आज आपको यूट्यूब में ऐसी पांच कॉमन यानी कि जो भी की मिस्टेक है उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जिसने आपने भी किया है और मैंने भी किया है। तो दोस्तों, इसे बहुत ही अच्छे से समझना क्योंकि वीडियो आज की बहुत ही अच्छी होने वाली है और नॉलेजफुल होने वाली है। जो आप यूट्यूब में जो कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक मैंने भी किया है, जिससे आपको क्या हानि होने वाली है और मेरे को भी वो हानि हो चुकी है। इसलिए आप वीडियो को पूरे लास्ट तक के देखते रहिए स्टेप बाय स्टेप। चलिए दोस्तों, पहली मिस्टेक, दोस्तों आपको क्या करना चाहिए। जैसे आप यूट्यूब में अर्निंग करने के लिए आते हैं, दोस्तों आप इसको पूरी अच्छी तरीके से समझ लीजिए। जैसे दोस्तों आप यूट्यूब में अर्निंग करने के लिए आते हैं, तो जैसे दोस्तों मेरा टैग का चैनल है, तो दोस्तों आप ये सोचते हैं कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। जैसे आप टैक्स के ऊपर बना सकते हैं, ब्यूटी के ऊपर बना सकते हैं, जी के क्वेश्चन के ऊपर बना सकते हैं, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं यानी कि लाखों टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप वीडियो बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, जिसके ऊपर आपका सबसे ज़्यादा अच्छे से बता सके, अच्छे से आप लाइफ टाइम यूट्यूब से अर्निंग कर सके, तो दोस्तों आप उस टॉपिक को चुनिए। अगर आप ऐसी टॉपिक को नहीं चुनते हैं, तो आपके यानी कि आपने वीडियो अपलोड कर दिए, आपको अच्छे से बनता नहीं है, तो आपका चैनल जल्दी से ग्लो नहीं होगा। तो आपको ये देखना है कि आपको जिस टॉपिक पर वीडियो बनाना है, जिससे आपका इंटरेस्ट हो, तो उसी टॉपिक पर आप वीडियो बनाइए, जिससे आपका चैनल तेज़ी से ग्लो होगा। दोस्तों, अब मेरी तरफ से दूसरी बिग मिस्टेक। दोस्तों, आप क्या करते हैं, जब यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं अपने अच्छे क्वालिटी से, तो आपकी वीडियो की जो साउंड क्वालिटी रहती है वह अच्छी नहीं होती। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आप जैसे ही वीडियो बनाते हैं तो साउंड क्वालिटी से, तो दोस्तों आपको क्या करना है, जो आपकी वीडियो है उसमें तेज साउंड डालिए और वीडियो जो क्वालिटी है उसे अच्छे से बनाइए। जैसे कई इंटरनेट बचाने के लिए 144 MBPS की देखते हैं, या 360 MBPS की देखते हैं, 480 MBPS की देखते हैं। तो दोस्तों कई लोग इंटरनेट बचाने के लिए 400 ऐसी इस प्रकार से वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जो आप वीडियो बनाते हैं तो अच्छी नॉलेजफुल यानी कि साउंड क्वालिटी आपकी अच्छी रहेगी। तो लोग वीडियो को तो देखना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, लेकिन साउंड सुनने के लिए बहुत ही अच्छा करते हैं, यानी कि बहुत ही अच्छे से देखते हैं। तो आपको साउंड क्वालिटी भी अच्छे से सही करना है। तो दोस्तों आप जैसे ही साउंड क्वालिटी अच्छा कर लेंगे, तो देखने वाले को भी अच्छा लगेगा कि इसने अच्छे से समझाया है, यानी कि वीडियो में यानी कि बहुत अच्छे से सुना है, तो आपकी आवाज़ उसे पसंद आ जाएगी, तो आपका वीडियो बहुत ही अच्छा रैंक करेगा और वीडियो में व्यूज़ भी आएंगे। दोस्तों मेरे तरफ से आपकी तीसरी मिस्टेक। दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, जैसे आप थंबनेल बनाते हैं, तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, जैसे ही उसे यूट्यूब में सर्च मारेंगे, तो देखिए कि आप उसका टाइटल जैसे ही सर्च मारेंगे, तो यानी कि आप देखिए कि जो आप थंबनेल बनाते हैं तो उसमें क्या रहता है, यानी कि वो देख लेगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन सी वीडियो वाली है जो उसे अच्छी लगे, तो उसे प्ले करेगा। तो दोस्तों आपको थंबनेल अच्छा बनाना पड़ेगा। आप यूट्यूब के कलर को इस्तेमाल मत कीजिए, या आप करते भी होगे तो ठीक है, तो काला, सफ़ेद और रेड का इस्तेमाल मत कीजिए, ये यूट्यूब के कलर हैं जिससे आपका थंबनेल अच्छा नहीं दिखता। दोस्तों आप नीला, पीला, हरा, वरा सब का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका थंबनेल अट्रैक्टिव होगा। दोस्तों आप जैसे ही किसी की वीडियो का यानी कि उसके नीचे में आपकी सजेस्टेड में आती है, तो दोस्तों आप जो थंबनेल बनाते हैं वह बहुत ही अच्छा बनाइए या अट्रैक्टिव बनाइए, जिससे आपकी वीडियो में यानी कि जो व्यूज़ हैं यानी कि वो देखने में ऐसा मजबूर कर दीजिए कि आपकी वीडियो को ज़रूर क्लिक करें, और आपकी वीडियो को अच्छी क्वालिटी रहेगी तो आपकी वीडियो में व्यूज़ भी आएंगे और वह पूरा देखेगा और बंदर आपको सब्सक्राइबर भी करके जाएगा। तो दोस्तों हमारी तरफ से चौथी बिग मिस्टेक। दोस्तों चौथी बिग मिस्टेक क्या है, दोस्तों आप यूट्यूब में यानी कि आपका मेरा जैसा टैक्स का चैनल है, तो आप भी टैक्स के बारे में समझाना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों आप जैसे ही यूट्यूब में 10 से 20 वीडियो अपलोड कर दिए, लेकिन आप जैसे ही देखते हैं कि यूट्यूब में यानी कि ये कॉमेडी वीडियो में बहुत सारे यानी कि व्यूज़ आ रहे हैं, तो मैं इसके बारे में बना देता हूँ, तो दोस्तों आप चैनल पर ऐसे ऐसे टॉपिक करके बहुत सारी खिचड़ी कर देते हैं, जिससे आपके चैनल पे यानी कि यूट्यूब ये नहीं समझ पाएगा कि आपका क्या टैक्स का चैनल है, क्या कॉमेडी का चैनल है, क्या गाना का चैनल है। तो आप ऐसा मत कीजिए, जिससे आपके चैनल पे यानी कि यूट्यूब जो मोनेटाइजमेंट होगा वह आपके को डिसेबल कर देगा और आपको एडसेंस भी डिसेबल कर देगा, जिससे आप यूट्यूब से अर्निंग नहीं कर सकते। दोस्तों अब पाँचवीं बिग मिस्टेक। दोस्तों आपको क्या करना है, जब आप टाइटल लिखते हैं, तो दोस्तों आपको वीडियो को रैंक कराने में भी बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्तों आप जब टाइटल लिखते हैं, तो अपने को क्या करना चाहिए, आप बहुत ही अच्छा यानी कि आप यूट्यूब में सर्च मारिए। जैसे ही आप टाइटल को यूट्यूब में सर्च मारते हैं, तो उसमें देखिए कि जिस टॉपिक पर है, हाउ टू अर्न मनी फॉर लैपटॉप यूट्यूब मनी से,
आप जैसे ही उसे करते हैं तो आप देखिए कि जैसे ही आप उसे यूट्यूब में सर्च मारते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो जिसके व्यूज़ ज़्यादा हैं उसके आप टाइटल को डाल दीजिए, जिसमें आप थोड़ा सा चला कीजिए, यानी कि टाइटल भी है जो वीडियो को सजेस्टेड में लाने के लिए और रैंक करवाने में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करता है। तो आप इस तरीके से टाइटल डालिए जिससे आपकी वीडियो सजेस्टेड में जाएगी, वीडियो रैंक करेगी। तो इस तरीके से आपको बिग मिस्टेक हमारी तरफ से अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहा बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑल कर दीजिए, जिससे हमारी नोटिफिकेशन जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं आपके लिए YouTube से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूँ, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।